हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं हमारे सी टेक्नीशियन में फिर से एक नया वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं डीएक्स यूनिट है, ये डीएक्स यूनिट में हमारा एक सर्किट चल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ही कंडेंसर फैन मोटर जब ये स्टार्ट ले रहा है तो वो ट्रिप कर जा रहा है। ये अपना कॉन्ट्रैक्टर जो है ट्रिप कर जा रहा है, वही चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले कंडेंसर फैन मोटर चलेगा, उसके बाद कंप्रेसर चलेगा। तभी कंडेंसर फैन मोटर मेरा चल नहीं रहा है, तो पहले हमको चेक करना होगा कंडेंसर फैन मोटर की कहीं ना ग्राउंड तो नहीं हो गया, किस तरह से कुछ वोल्टेज का इशू तो नहीं है। ये सब फ्लक्चुएशन से भी जो है प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम देखते हैं, आप लोग लाइव बने रहिए। तो दोस्तों, अभी हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज होता है। थ्री फेज का मोटर है ये, अभी एक में 420 आ रहा है। ऊपर दिखाना, ऊपर यहाँ पे दिखाओ। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक एक करके हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। L1 L2 में चेक किए तो 420 आया, फिर अपना L1 12 3, नीचे दिखा रहा है, हाँ 422 आया, फिर L2 12 3। वन बाई वन आपस में करके देखें तो ये तो वोल्टेज बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वोल्टेज सही आ रहा है। अभी हम इसको चेक करते हैं, अभी मोटर हम चेक करेंगे, मोटर ग्राउंड है क्या है, आप लोग बने रहिए। अभी हम यूनिट को बंद किए हैं, अभी चेक करेंगे कंडेंसर फैन मोटर ग्राउंड है क्या है। तो इसको हम अपना कंटिन्यूटी सेक्शन में लेके जाएंगे, कंटिन्यूटी में अभी देखते हैं हम। तो एक पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, वायर का जो मोटर का जो वायर है, और एक को यहाँ हम ग्राउंड में रखेंगे। तो अभी कुछ साउंड नहीं आ रहा है, अगर प्रॉब्लम रहेगा तो साउंड आएगा, टी टी का आवाज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम एक यहाँ पे रखें, फिर दूसरे वायर में रखेंगे, फिर उसके बाद रोके वीडियो रोका है। तो अभी हम इसमें ग्राउंड चेक कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये रहेगा तो पॉइंट टी टी का आवाज़ आएगा। अभी जैसे हम आपस में यहाँ सटाएंगे, यहाँ दिखाना जी, आपस में सटाने के बाद जो है टी टी का आवाज़ आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। दूसरा हम चेक किया, नहीं आ रहा है। तीसरा हम चेक किया, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी अब इसको हम आपस में देखेंगे अब कितना कितना आ रहा है पॉइंट। अभी आप स्क्रीन पर दिखाइएगा, उधर देखिए 4.7, 4.5, 4.6। तो ये हमारा सही है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मोटर भी सही बता रहा है। तो अब इसको हम ऊपर कंडेंसर फैन मोटर का ढक्कन खोल के देखेंगे कि वो जो उसका अपना राउंड करके देखेंगे कि वो जाम तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। तो अभी ऊपर जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी हम यूनिट के पास आ गए हैं, ऊपर में कंडेंसर फैन मोटर के पास। अभी हम इसको घुमा के देखते हैं क्या कंडीशन है। मैंने ढक्कन खोल लिया है वीडियो रोक करके। जी हाँ, देखिए इसमें साउंड आ रहा है, तो इसमें ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। और जितना फ्री घूमना चाहिए उतना ज़्यादा फ्री भी नहीं है। इतना तेज़ घुमाने के बाद अपना साउंड नहीं आना चाहिए, एकदम नॉर्मल ईजी साउंड होना चाहिए। और दूसरा फैन मोटर भी सेम कंडीशन में इसका ये है। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम इसको जब रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद अभी इसको हम डालते हैं वीडियो। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। ये अपना बैरिंग रिपेयर किया इसका मैं, बैरिंग प्रॉब्लम था। ठीक है, बाद में इसको वापस फिट करने के बाद अभी मैं घुमा के आपको दिखाता है। देखिए साउंड नहीं आ रहा है इसमें, एक जरा सा जो है साउंड नहीं आ रहा है। सेम दूसरा वाला का भी किया। ठीक है, दूसरा वाला में भी थोड़ा जाम था, तो दोनों का किया। अभी उसके बाद अभी हम नीचे मेन है अब चालू करके देखेंगे। ठीक, उस टाइम मैं आपको वोल्टेज दिखाएगा, एम्स दिखाएगा सब। ठीक है, तो अभी थोड़ा वीडियो को रोकेंगे, हम नीचे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी मैंने वो मोटर को चेंज किया है, बैरिंग वगैरह सब सही करके अभी इस यूनिट का चालू कर रहे हैं। 15 में सेट पॉइंट कर दिए इसका, थोड़ा धूप आ रहा है इसलिए आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी चालू होएगा तो आपको साउंड दिखाएंगे, देखते हैं चालू होता है कि नहीं।
कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर कितना एम्स ले रहा है, एम्स में हम सेट कर दे रहे हैं पहले। बाकी वीडियो को हम थोड़ा रोकते हैं, चालू होने में 3 मिनट टाइम है, फिर चालू हुआ अपना कंडेंसर फैन, चालू हुआ कंडेंसर फैन के पास लेके जाते हैं हम आपको। चेक करेंगे तो कंप्रेसर चालू होता है कि नहीं, वेट कीजिए आप लोग। एम्स भी दिखाते हैं कितना एम्स ले रहा है ये हमारा, ये देखिए 5.75। दूसरा वाला चेक करते हैं, इसमें 5.79 इस तरह से करके ले रहा है। अभी हम वापस चीलर में कंप्रेसर लगा कर रखते हैं। हाँ एक्चुअल में दोस्तों ये कंप्रेसर क्यों नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक, वो मैं अभी देख रहा हूँ। यहाँ पर इसका वायर भी निकाला हुआ है, ये देख रहे हैं ना, एक कंप्रेसर का दो सर्किट है ना, एक 3B लगा हुआ है, 3 ये निकाला हुआ है PCB से। अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं। मैंने कनेक्ट कर दिया है, जैसे कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट हुआ अब उसके बाद देखिए इधर कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं 26 पॉइंट समथिंग ले रहा है, सही है, इसका एम्स इतना ही है कंप्रेसर का। दूसरा देखते हैं ये 24.9, वो एक 2 एम्पियर इधर उधर रहता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा कंडेंसर फैन मोटर के चलते कंप्रेसर चल ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही कंडेंसर फैन मोटर का जो कॉन्टेक्टर है तो ट्रिप कर जा रहा था अपना स्टार्ट लेते के साथ। तो आपका कभी भी जो है ना कंडेंसर फैन मोटर पहले स्टार्ट लेगा, फिर जस्ट नाउ जो है आपका कंप्रेसर स्टार्ट लेगा, पहले वो स्टार्ट लेगा। तो इसके पहले लेकिन उतना ज़्यादा टाइम हो गया था स्टार्ट नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा कंप्रेसर का ये जो वायर है यहाँ पे एक सर्किट का अपना, ये सर्किट का वायर जो है ये 3A 3B है, सर्किट है सर्किट भी है ना, तो वो निकाला हुआ था पहले से, इसलिए चालू नहीं हुआ। फिलहाल आप लोग कुछ इसमें नॉलेज मिला ही होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो फिर और इससे बेहतर वीडियो बनाएंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, तब तक ले अपना ख्याल रखिए, ओके।